विराट कोहली की कार गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की। पुलिस थाने में कबाड़ में सड़ रही है करोड़ों की कार। अश्नीर ने खरीद ली धोनी की कार। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों के बारे में कौन नहीं जानता। अरबों के मालिक और बेहद ही सक्सेसफुल खिलाड़ी, ऐसे में दोनों ही दिग्गजों को महंगी गाड़ियों का शौक भी है। तो हम आपको विराट कोहली के करोड़ों की गाड़ी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो अभी कबाड़ में पड़ी है, जो कभी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की गई थी, साथ ही कैसे शार्क टैंक वाले अश्नीर ग्रोवर ने धोनी की कार खरीदी। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की गाड़ी कबाड़ में पहुंची। विराट कोहली के गैराज में कभी शान से खड़ी होने वाली ऑडी R8 कार आज पुलिस स्टेशन में धूल खा रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है, उनकी गाड़ी से ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने उस गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया। दरअसल विराट ने ऑडी R8 गाड़ी 2012 में खरीदी थी। 4 साल अपने पास ये गाड़ी रखने के बाद उन्होंने सागर ठक्कर नाम के एक व्यक्ति को ये गाड़ी 2016 में बेच दी थी। सागर ने ये गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए विराट कोहली से खरीदी थी। विराट कोहली से जब सागर ने ये गाड़ी खरीदी थी, तभी पुलिस अलर्ट हो गई। दरअसल सागर एक अपराधी था, उस पर घोटालों के आरोप भी थे। विराट कोहली से खरीदी ऑडी R8 भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली थी। तब से ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में ही सड़ रही है। विराट कोहली ने कभी बहुत शौक से खरीदी होगी ये गाड़ी, ये कभी चमचमाती हालत में कोहली के गैराज की शान बढ़ाती होगी, लेकिन इस गाड़ी की हालत आज बदतर हो गई है। पुलिस स्टेशन में पड़ी गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है। जंग लगी गाड़ी धूल की चादर ओढ़े खड़ी हुई है। शार्क टैंक वाले अश्नीर ने खरीदी धोनी से गाड़ी। अब आपको धोनी की गाड़ी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं, जहां पर उनकी कार को शार्क टैंक का हिस्सा रह चुके अश्नीर ग्रोवर ने खरीदा था। अश्नीर एक बार का किस्सा बताते हुए कहते हैं कि मैंने एक मर्सिडीज बेंज GLS गाड़ी खरीदी थी जो झारखंड से थी और उसका VIP नंबर था। डीलर ने मुझे ये दावा करते हुए खरीदने के लिए मना लिया कि ये गाड़ी कभी धोनी की थी। फिर मुझे लगा कि झारखंड में तो एक ही VIP है और वो है धोनी, तो मैंने वो कार खरीद ली। तो देखा आपने कैसे धोनी और विराट की गाड़ियों से जुड़ा ये किस्सा मशहूर है, जहां एक तरफ विराट की महंगी ऑडी R8 एक व्यक्ति ने खरीदी थी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, लेकिन उसके मामले खराब थे और फिर पुलिस ने वो गाड़ी जब्त कर अपनी कस्टडी में रख ली, तो दूसरी तरफ धोनी की महंगी गाड़ी को अश्नीर ग्रोवर ने खरीद लिया। हालांकि अश्नीर ग्रोवर धोनी के ही गाड़ी की बात कर रहे हैं या फिर ये किसी और व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, ये कहने के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को आप लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।